हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दिप्रिशिता शो। आज बात करेंगे आपके थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में, यानी आपकी तीसरी तिमाही के बारे में। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। हालांकि पूरी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट होता क्या है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका वेट काफ़ी गेन हो जाता है, बच्चे का वज़न काफ़ी अंदर बढ़ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको केयर करने की इस टाइम पर और ज़रूरत हो जाती है। तो इन सबके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दिया हुआ उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस पोस्ट होते हैं चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बात कर लेते हैं आपके थर्ड ट्रेमेस्टर के बारे में। थर्ड ट्रेमेस्टर आपका स्टार्ट हो जाता है जब आपका 6 मंथ्स खत्म हो जाता है और 7वां महीना आपका चालू हो जाता है, यानी 7वां, 8वां और 9वां महीना। ये तीनों महीने थर्ड ट्रेमेस्टर में आते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करूँगी। लास्ट में बात करूँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम पर आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम पर आपको करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी पूरी प्रेगनेंसी में ही रहता है और इस टाइम पर वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको हेल्दी डाइट एक मेंटेन करनी होती है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आपका वजन काफ़ी बढ़ रहा है, आपके बच्चे का वजन काफ़ी बढ़ रहा है, आपके बच्चे को इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके थ्रू ही उसको मिलता है। तो एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक अच्छा डाइट लेना ज़रूरी है। इस टाइम पे अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, जो खाने का मन करता है वो खाइए। बस ये देखिए कि वो खाना न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए और इसे बच्चे को और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन अच्छे से मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है बच्चे के मूवमेंट्स के बारे में। इस टाइम तक आप देखोगे कि बच्चे के मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक होने वाली माँ को पता होता है कि बच्चे के मूवमेंट्स कितने हो रहे हैं और कितने होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ये मूवमेंट्स थोड़े कम हो जाते हैं, अब वो कई बार घबराने की बात हो जाती है कि ऐसा क्यों है, बट होता क्या है कि बच्चे का साइज़ अंदर बढ़ जाता है, बच्चे को उतना स्पेस नहीं मिलता कई बार, इसलिए भी मूवमेंट कम हो जाते हैं। लेकिन आपको चेक करते रहना है जैसे थोड़ी थोड़ी देर में मूवमेंट्स हुए हैं कि नहीं हुए, और जिस टाइम आपको लग रहा है कि मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं उस टाइम पर हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा खाना खा लीजिए या कुछ खा लीजिए, उसके बाद में आप लेफ्ट लेट जाइए, फिर आप देखेंगे कि बच्चा मूवमेंट करने लगेगा। और थोड़ा सा भी लग रहा है कि बच्चे के मूवमेंट में कमी आ रही है या बच्चे के मूवमेंट में थोड़ा सा आपको कोई डिफरेंस लग रहा है, प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हो गया। इसके बाद में जो आपको ध्यान रखना है वो है, इस टाइम पे मैं आपको एडवाइस करूँगी, हालांकि आजकल जो गर्ल्स हैं, जो लेडीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। प्रेगनेंसी होते ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर होने की कोशिश करते हैं हर चीज़ के बारे में, बट अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। मतलब चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड और बच्चे को केयर करने से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होते हैं, जितने भी बुक्स होते हैं, या जितनी जगह से भी आप नॉलेज गेन कर पाएँ, कुछ लोग इसके लिए क्लासेस भी अटेंड करते हैं, तो वो सब आप करते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाता है। एक तो बच्चा जब आपका होता है तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बहुत कॉमन होती हैं, तो उस टाइम पे आपको उससे डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहले से आप उन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि बच्चे को फीड कैसे कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, बॉटल फीडिंग करा रहे हैं, मतलब एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका आप थोड़ा सा पहले से उसके बारे में अवेयर हो सकते हैं, बच्चे से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा अपने लिए भी, जैसे बच्चे के जन्म के लिए, जैसे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है या सी सेक्शन होता है या किसी भी तरीके की डिलीवरी है, और डिलीवरी के बाद में आपको अपनी केयर कैसे करनी है, इसके बारे में भी आप पहले से ही थोड़े से अवेयर होकर रह सकते हैं, जिससे आपको बाद में किसी से पूछना नहीं पड़े या बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना पड़े, आपको पहले से काफ़ी चीज़ें पता हों और वो चीज़ें आप कर सकें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान करना है। और एक चीज़ जो आपको करनी है वो है आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको पहले से क्लियर करके रखिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डिलीवरी कहाँ करानी है और कौन से डॉक्टर से करानी है। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई इंश्योरेंस वगैरह है तो पहले से ही हॉस्पिटल में बात करके रखिए, यानी कि जब मूवमेंट आएगा डिलीवरी का आप तब बात करोगे, प्लीज़ ऐसा नहीं होता है। आप पहले से एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर, इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें क्लियर करके रखिए, ताकि जब भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो आपको ये सारी चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम नहीं आए। और जो चीज़ आपको करनी है वो है बेबी बैग्स अभी से रेडी कर लीजिए। यूजुअली जो डिलीवरी होती है वो जब 9 मंथ्स पे आपकी डेट आपको मिली होती है तभी होती है, बट होता क्या है कुछ केसेस में प्री मेच्योर भी हो जाते हैं, कुछ केसेस में थोड़ा जल्दी डिलीवरी करनी पड़ जाती है, तो ये एक राइट टाइम होता है कि आपको अपने बैग ज़रूर रेडी करके रखने चाहिए, आपको कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है।
अब उस टाइम पे भी चीज़ें जो है मैनेज करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, तो एक बैग आपको रेडी करना ही है, एक दो महीने बाद भी करना है, तो आप थोड़ा सा अभी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। एक बेबी का बैग होता है और एक मॉम का बैग होता है, वो दोनों के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बैग में रखनी होती हैं, तो वो बैग्स प्लीज़ आप रेडी करके रखिए। उसके अलावा जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड पेपर्स होते हैं इस टाइम पर, अगर फर्स्ट मंथ से लेके जो भी आपने टेस्ट कराए होंगे, जो भी पेपर्स हैं अगर इधर उधर हैं, तो प्लीज़ उनको एक ही जगह पर रख लीजिए, ताकि आपने वो बैग उठाया और हॉस्पिटल चले गए। और भी जरूरी एक्सेसरीज होती हैं वो सब आप एक जगह पे ही रखिए कि कभी भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो आप उसको लेके जा सकते हैं। अच्छा, इस टाइम तक आते आते आपके काफ़ी कुछ टेस्ट भी परफॉर्म होने होते हैं, जैसे बच्चे की मूवमेंट इस समय क्या है, बच्चा कौन सी पोजीशन में है, तो इससे रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, क्योंकि इस टाइम तक आते आते कुछ फीमेल्स के साथ में, कुछ लेडीज़ के साथ में थायराइड वगैरह की या डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं होगी है, जो काफ़ी कम लोगों में ऐसा हो जाता है। तो मतलब जो भी टेस्ट आपके डॉक्टर आपको कहते हैं, तो टाइम टू टाइम आप इस समय कराते रहिए, वो टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास चाहिए, मैं कहूँगी एक आधा दिन भी आपको डिले नहीं करना चाहिए। तो अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जो है जब जब उन्होंने कहा है तब तब आप विजिट कीजिए। अच्छा, इसके अलावा और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो आपको ध्यान रखना है, एक हेल्पर आपको अरेंज करके रखना है। आप हेल्पर में आपके फैमिली में से कोई हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है। उस केस में क्या होता है कि जैसे कुछ लोग का फर्स्ट बेबी होता है, बट कुछ लोग का जैसे सेकंड बेबी होता है या थर्ड बेबी होता है, तो आपके बच्चों की केयर उस टाइम पे कौन करेगा, या आपके घर की केयर उस टाइम पे कौन करेगा, तो ये सब चीज़ें पहले से सेट होनी चाहिए। और हॉस्पिटल में आपके साथ में कौन रुकेगा, क्योंकि एक छोटे बेबी को केयर करने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। या फिर जब आप घर भी आ जाएंगे तो 10-15 दिन तक आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, जो 24 आवर्स आप बच्चे को देख पाएँ, उस टाइम पर आपकी हेल्प कौन करेगा, तो ये सब चीज़ें पहले से माइंड में सेट करके रखिए। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस टाइम पे आप सोच के रखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम उस टाइम पे नहीं होगा। अच्छा, आप कुछ सामान वगैरह भी बच्चे के लिए इस टाइम पे ले सकते हैं। कुछ लोग के यहाँ होता है कि जब बच्चा हो जाता है मतलब डिलीवरी के बाद ही सामान बच्चे का लेते हैं, कुछ लोग के ऐसे कस्टम्स होते हैं, बट अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं है और आप परचेज कर सकते हैं तो इस टाइम पर आपको कर लेना चाहिए। मतलब बच्चे का जो भी बेडिंग वगैरह है, बच्चों के कपड़े हो गए, बच्चों का बिस्तर हो गया, जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं स्टार्टिंग डेज में, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और मैं आपको एडवाइस करूँगी, जैसे आप परचेज़ करते हैं कुछ भी बच्चे के जैसे बर्थ क्लॉथ हो गया या कपड़े से रिलेटेड जो भी हो गया, तो हर एक चीज़ को वॉश करके फिर उसके बाद में बच्चों के लिए स्पेशली डिटर्जेंट्स वगैरह आते हैं, वो उसमें वॉश करके आप उसको रख सकते हैं। तो बच्चे को मैं एडवाइस करूँगी कि आप वॉश करके ही बच्चे को पहनाइए, ऐसे नया कपड़ा बच्चे को कोशिश करें कि नहीं पहनाएं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम पर जर्म्स वगैरह से हर चीज़ से बच्चों को हमको बचा के रखना होता है। थोड़ी सी एक्सरसाइज इस टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम तक आपको डॉक्टर्स भी एडवाइस कर देते हैं कि कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको करनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी फिट रहे, आपका बच्चा अंदर हेल्दी रहे, आपको डिलीवरी नॉर्मल होने में हेल्प करे। काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होते हैं, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कर सकते हो। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पर अपने बच्चे से बात करें, जो कि ज़्यादातर मॉम्स करती ही हैं। इस टाइम पर क्या होता है कि आपका बच्चा आपको सुन सकता है, और जब आप उससे बात करते हैं तो बच्चे के साथ में आपका एक बॉन्ड बनता है, बच्चा आपकी आवाज़ से जो है उसको पहचानना स्टार्ट करता है, बच्चा लैंग्वेज को पहचानना स्टार्ट करता है। तो बाद में जब डिलीवरी हो जाती है, जब आप बच्चे से बात करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको फील होता है। तो बच्चे से बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम सब करते ही हैं, इस टाइम पे अपने बेबी बम को सेलिब्रेट कीजिए। अब सेलिब्रेशन में क्या होता है, इस टाइम पे सातवें महीने में कुछ लोग के यहाँ पे सेरेमनीज होती हैं, या फिर कुछ लोग जो है अपना बेबी शावर करते हैं, कुछ लोग जो है प्रोफेशनल फोटोशूट्स वगैरह कराते हैं, तो वो सब आप कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी आपको करना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल डेज होते हैं ये, और इसको मेमोरेबल बनाने के लिए ये सब चीज़ें करके आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करा के रख सकते हैं। फ्यूचर में जब इन सबको देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो ये तो लिस्ट थी जो चीज़ें आपको करनी चाहिए आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में। आप डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इस टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो एक्सरसाइज की मैंने बात की थी, तो एक्सरसाइज हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करनी है। बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा इस टाइम पर थोड़ा सा और ध्यान रखिए कि वज़न भारी नहीं उठाना है। हालांकि पूरे 9 महीने से हम लोग हैवी वेट नहीं उठाते हैं, बट इस टाइम पर और भी ज़्यादा केयरफुल रहिए। कई बार क्या होता है, बहुत थोड़ा सा वज़न भी अगर आपको लग रहा है कि आपको उठाने में दिक्कत हो रही है, तो वो नहीं कीजिए प्लीज़। वेट से थोड़ा सा दूर रहिए, किसी का हेल्प ले सकते हैं इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना इस टाइम पे आपके लिए अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा देर बैठना इस टाइम पे आपके लिए अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा देर पैर लटका के बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस टाइम पे क्या है, स्वेलिंग वगैरह का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, बैक एक का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, तो कोशिश कीजिए बहुत लंबे ट्रैवलिंग पे नहीं जाइए।
ज़्यादा देर बैठना नहीं है, मैंने बता दिया आपको, पैर लटका के नहीं बैठना है, बैठना है तो पैर सीधे करके बैठना है। इन सब चीज़ों का आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। खाने में मैंने आपको बताया था कि हेल्दी डाइट लेनी है, इस टाइम पे स्पाइसी फूड वगैरह सब अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या है ना, डाइजेशन के लिए बहुत कम स्पेस मिलता है प्रेगनेंसी में। वैसे भी डाइजेशन हम लोग का स्लो हो जाता है, इस टाइम पे डाइजेशन और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस होता नहीं है आपके पास में बॉडी में, तो वो काफ़ी चीज़ें जो है स्लो हो जाती हैं। उसके अलावा एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम आपको हो जाता है, तो स्पाइसी फूड से थोड़ा सा दूर रहिए। घर के कामों में भी अगर आपको करने में अभी फ़िलहाल थोड़ा सा डिसकम्फर्ट हो रहा है तो किसी का हेल्प ले लीजिए, अगर आप ऑफिस में भी हैं तो भी किसी का हेल्प लीजिए। इस टाइम में हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं है, प्लीज़। अगर आपको कहीं पर डिसकम्फर्ट लग रहा है तो अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से बात कीजिए, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो थर्ड ट्रेमेस्टर में आपको करनी चाहिए, और ये चीज़ और लास्ट में मैंने आपको कुछ बताया जो आपको नहीं करनी चाहिए। उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। आई होप आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी रहे और डिलीवरी आपको बहुत अच्छे से हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।